पेंशन के मुद्दे को लगातार विपक्ष के सवालों से घिरने वाली केंद्र सरकार ने इस बार एक बड़ी काट निकालते हुए अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पेंशन की है। इसी के साथ देश में एक और नई पेंशन व्यवस्था आ गई है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों नई पेंशन व्यवस्था इतनी खास है और कैसे यह पुरानी एनपीएस और ओपीएस अलग है। ओपीएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनमें पिछली पुरानी दोनों पेंशन व्यवस्था के गुणों को समाहित करने की कोशिश की गई है। सरकार जब एनपीएस को लेकर विरोध का सामना कर रही थी तभी वित्त मंत्री निर्मला ने यह संकेत दिया था कि सरकार एनपीएस में सुधार करके सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन देने पर विचार कर सकती है और अब सरकार ओपीएस लेकर आई है। सरकार ने जो ओपीएस पेंशन की है उसमें पेंशन के साथ साथ फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, ग्रेजुएटी और महंगाई भत्ता जैसे कई लाभ जोड़े गए हैं। ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को उनके नौकरी के आखिरी साल में जो सैलरी मिलेगी उसी सैलरी के बेसिक पे के औसत के 50% के बराबर ही एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। हालांकि इसका फायदा 25 साल की नौकरी की पूरी करने वाले को ही मिलेगी। अगर आप 10 साल की सरकारी नौकरी करने के बाद छोड़ देते हैं तब भी आपको 10,000 की एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी। यानी ओपीएस के पेंशन पाने के लिए आपको 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य होगा। ओपीएस में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को तुरंत 60% पेंशन दी जाएगी। एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्ष के मुताबिक होगा। इस पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी के साथ साथ सुपर एन्यूशन का पेमेंट भी किया जाएगा। सुपर एन्यूशन के कर्मचारी को ठीक ठाक पेमेंट मिले इसके लिए कर्मचारी के हर 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ते के 1/10 में हिस्से की ग्रेजुएटी से जोड़ा जाएगा। इस पेमेंट का कर्मचारी के एश्योर्ड पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा। ओपीएस के लिए कर्मचारी को अपने बेसिक पे का 10% योगदान देना होगा जबकि सरकार की ओर से बेसिक पे का 18.5% जमा किया जाएगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू होगी। अगर बात करें कि ओपीएस और एनपीएस से कैसे अलग है तो आपको बता दें कि सरकार ने यूपीएस और एनपीएस की तरह कर्मचारी के योगदान में विकल्प को भले ही बरकरार रखा है लेकिन कई ऐसी बातें को जोड़ा गया जिसमें से कि यह उनके मुताबिक ज्यादा बेहतर पेंशन स्कीम बन जाती है। एनपीएस को लेकर सबसे बड़ा विरोध एश्योर्ड पेंशन का नहीं होना था। ओपीएस में इसे दूर कर लिया गया है। एनपीएस में कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और महंगाई भत्ते का टोटल का 10% योगदान करना होता है जबकि सरकार का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 14% होता था। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद जब आप अपना पैसा निकालते हैं तब 60% रकम टैक्स फ्री होती थी जबकि 40% रकम पर सैलरी विकेट के हिसाब से टैक्स देना होता था। एनपीएस में एक समस्या यह भी थी कि इनमें रेगुलर पेंशन के लिए आपको 40% रकम से एनटी प्लान खरीदना होता था जबकि आपका जो पूरा रिटायरमेंट कॉप्स बनता था वह मार्केट से मिले रिटर्न के आधार पर तय होता था। वही सरकार ने ओपीएस में ओपीएसआईसी में ओपीएस से अलग है। ओपीएस में आपको एश्योर्ड पेंशन के लिए न्यूनतम 25 साल तक की सर्विस पूरी करनी होगी। ऐसे में अगर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है तो आपको सरकारी नौकरी में 35 साल की उम्र तक शामिल ही होना होगा नहीं तो आपकी पेंशन मिनिमम पेंशन के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। ओपीएस में बड़ा सवाल यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीएससी नौकरी में उम्र का रिलेशन मिलता है और कई राज्यों में सरकारी सेवा में शामिल होने की उम्र 40 साल तक है तो उन्हें एश्योर्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जबकि ओपीएसआई की कोई शर्तें नहीं है। ओपीएस को कोई भी योगदान नहीं देना होता है क्योंकि यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वृत्त घोषित होती है। ओपीएसआर को उनके पूरे वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है। ओपीएस में कर्मचारी को उनके आखिरी सैलरी के 12 महीने के एवरेज बेसिक में 50% के बराबर ही एश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।